एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्राउजल कैसे बनाया जाता है ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये कोड मैं पूरा HTML, CSS और JavaScript यूज़ करके बनाऊंगा। ये पूरा क्राउजल जो है ये तीनों लैंग्वेज यूज़ करके बनाऊंगा। एंड आफ्टर वी कम्प्लीट दिस वीडियो हमारा क्राउजल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो, ये कम्प्लीटली एक वर्किंग क्राउजल होगा। और यहाँ पर मैंने तीन इमेजेस ही ऐड किया है, अगर आप चाहें तो और भी इमेजेस ऐड कर सकते हो। सो विदाउट वेटिंग एनी मोर लेट्स बिगिन। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं अपना index.html बना लेता हूँ। नहीं, हम index.html ना बना के हम बनाएंगे index.php। हालांकि HTML से भी काम चल सकता था ना, HTML से भी काम चल जाएगा क्योंकि हम PHP तो इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। हम HTML, CSS और JavaScript यूज़ करेंगे। यहाँ पर style.css भी कर लेते हैं, HTML का बॉलर प्लेट लगा लेते हैं, इसको उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। सोर्स टाइप CRIP स्क्रिप्ट टेक्स्ट डॉट जेस कर देते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं इस नाम से, एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ पर लिंक कर लेते हैं style.css। वेल, और इसको अभी लाइव सर्वर पर ओपन कर लेते हैं तो हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर हम सेक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं क्राउजल पार्ट वन। इसके अंदर डिव रखते हैं क्राउजल पार्ट टू नामक। ठीक है, अब इसके अंदर एक और डिव रखते हैं क्राउजल पार्ट थ्री नामक। वेल, अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं और स्टाइल शीट को कह देते हैं कि कर दो सबका पैडिंग जीरो और मार्जिन जीरो, ट्रांजिशन 0.25 सेकंड्स, लीनियर। ओके, गुड टू गो। इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, हाइट कर देते हैं 100 VH, विड्थ कर देते हैं 100%, और बैकग्राउंड कलर हम एक्वा दे देते हैं। देखते हैं ये हुआ कि नहीं। सो, जैसे कि आप देख सकते हो एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। हम इसको उड़ाएंगे, इसका डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये जो क्राउजल पार्ट है, ये क्राउजल पार्ट टू है, ये सेंटर में आ जाएगा और इसके साथ साथ क्राउजल पार्ट थ्री भी सेंटर में आ जाएगा। वेल, विद दैट सेड, हम एक और काम करेंगे इस चीज को। क्राउजल पार्ट थ्री के हम दो हम शक्ल बनाएंगे और इनको नाम दे देंगे 4 और 5। ठीक है, क्राउजल पार्ट टू को करेंगे ग्रैप, करेंगे पेस्ट और इसको हम लिख देंगे कि कर लो अपना डिस्प्ले फ्लेक्स। बहुत सही है। अब इस चीज के अंदर, क्राउजल पार्ट टू के अंदर, हम एक पी लगाएंगे जिसका नाम रहेगा क्राउजल पार्ट 3 in 1। कॉपी करेंगे, इसके अंदर एक स्पैन लगाएंगे, क्लास होगा in 2, और इसके अंदर हम ये वाला मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क एक्चुअली में नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, हम करेंगे मार्क्स HTML कोड। सो, हमें अपना एरो मार्क्स मिल जाएगा। हमें सिर्फ एक एरो मार्क यूज करना है ताकि हम नेविगेट कर पाए। सो, हम चेक करते हैं कौन सा एरो मार्क अच्छा रहेगा। हालांकि इधर एक भी एरो मार्क मुझे पसंद नहीं आ रहा, हम किसी और साइट पर चलते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन आपको आपका जो चीज़ है वो मिल जाएगा। सो आई होप कि हमें अपना काम का चीज़ मिल चुका है। ये HTML कोड है, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। एक बार चेक कर लेते हैं जाके,
बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ओके, वी आर गुड टू गो। अब इस चीज़ को हम थोड़ा चेंज करेंगे, हालांकि अभी नहीं करते, हम इसको बाद में करेंगे। इसको करेंगे कॉपी, इसको कर लेंगे पेस्ट, और इसको 3 की जगह हम कह देंगे 5। ब्राउज़र पार्ट 3 को यहाँ ग्रैब करेंगे, पेस्ट करेंगे, और इसको कहेंगे यहाँ पर हमें इस एरो मार्क को घुमाना है। सो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे? हम करेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट 180 डिग्री। देखते हैं, लोड करते हैं। अच्छा, स्पैम को अगर घुमा नहीं पाए तो इस चीज़ को ट्राई करते हैं। कॉपी पेस्ट किया, वेल इट इज़ नाउ लुकिंग गुड। अब थोड़ा सेपरेशन लाते हैं इस चीज़ में। 4, 3 और 5 का काम हो गया। अब हम चलते हैं क्राउजल पार्ट 4 के अंदर, और इधर हम लिखते हैं क्राउजल पार्ट 4 इन साइट स्लैश क्राउजल पार्ट 4 आइटम्स डॉलर, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3, और हमारा स्निपेट का काम हुआ ख़त्म। और इन सब चीज़ों के अंदर हम ऐड करेंगे हमारा इमेज IMG, और सोर्स होगा ये बैक इमेज वॉलपेपर, बैक इमेज डॉट JPG। सो इसी चीज़ को हम करेंगे ग्रैब, कॉपी, हम करेंगे पेस्ट इधर, और हम करेंगे पेस्ट इधर। इसको करेंगे हम रीनेम, कर लेते हैं कॉपी, और इसकी जगह कर देते हैं रीनेम। इसको करते हैं कॉपी, और इसकी जगह हम कर देते हैं पेस्ट। सेव किया हम लोगों ने, और इस चीज़ को करते हैं रीनेम, इसको करते हैं कॉपी, और इस चीज़ की जगह हम पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, चेक कर लेते हैं एक बार। वेल, एज एक्सपेक्टेड सारे इमेजेस आ चुके हैं। बस अब हमें क्या करना है, इनको कर लेते हैं बंद। अब हम थोड़ा स्टाइल पर चलते हैं। क्राउजल पार्ट 4 को करते हैं ग्रैब, और इसका डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स ट्रांसफॉर्म। इसको इधर ही रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, और हम ट्रांजिशन 0.25 सेकेंड लीनियर, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की जगह लिखते हैं हम ट्रांसलेट एक्स 0 पिक्सल। सेव किया हम लोगों ने। इसके बाद हम चलते हैं, अच्छा यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो कि हमने पार्ट 4 इधर बनाया है। अब क्राउजल पार्ट 4 इनसाइट के अंदर हम लिखते हैं कि इनके जितने भी इमेजेस हैं सबका हाइट, क्या कहा मैंने, सबका हाइट, सबका विड्थ कर दो 20 RM और हाइट कर दो 20 RM, इमेजेस का नहीं क्राउजल पार्ट 4 का। 30 कर लेते हैं एक बार, और इसका ओवरफ्लो कर दो हिडन, राइट। अब हम करते हैं इस चीज़ को ग्रैब, पेस्ट करते हैं इमेजेस पर, हम लिखते हैं विड्थ कर लो इनहेरिट हाइट ऑटो, वह चेक कर लेते हैं। वेल विद दैट सेट एवरीथिंग इज लुकिंग फेयर एंड फाइन। शायद इस चीज़ का असर नहीं हुआ, एक बार इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ओके, वेल विड्थ को मुझे लगता है हमें थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, 25 विल बी गुड, और हाइट को भी 25 ही कर लेते हैं। अब हमें बस एक काम करना है, ये जो सारी ऑप्शंस हैं इसका ऑटो हमें चेंज करके इनहेरिट करना है,
एक बार देख लेते हैं। वेल इट्स लुकिंग गुड। सो अब हमें क्या करना है, हमें ये सिर्फ मिडिल वाला पोर्शन चाहिए, बाकी दोनों इमेजेस को हम लोगों को उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, वेल गुड। अब क्राउजल पार्ट 4 का हम एक काम करेंगे, हम कह देंगे, हम इस चीज को भी एक डिव के अंदर रख देंगे, क्राउजल पार्ट 4 इनसाइड 1 नामक। इसको कर लेंगे कट, इसको कर लेंगे पेस्ट। वेल कॉपी किया हम लोगों ने, इसको पेस्ट किया। क्राउजल पार्ट 4 को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करते, ये चीज भी नहीं करते। हम इसको कह देते हैं कि कर लो अपना हाइट और विड्थ ये, और ओवरफ्लो हिडन इन एनी डायरेक्शन इट कैन बी, बट कर दो अपना ओवरफ्लो हिडन। और इसकी जगह हम इनसाइड वन को कहते हैं कि प्रॉपर्टीज आप ले जाओ। एंड लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग। अरे यार ये तो गंदा हो गया, ये क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। हालांकि क्राउजल बनाना एक बहुत ही हेक्टिक काम है। इस चीज को हमें सिर्फ करना है मेन विड्थ एंड इट विल बी गुड टू गो। अच्छा शायद गलत कर दिया, मुझे मेन यहाँ नहीं कहीं और लगाना था, गलती से इधर लगा दिया। होता है, अब ठीक है। इसके अंदर हम अगर ट्रांसलेट को चेंज करें, नेगेटिव पर ले जाएं, सो यू कैन सी क्राउजल अपना काम बाखूबी निभा रहा है। लेकिन हम इस चीज़ को पिक्सल ना रह देकर हम इसको REM दे देते हैं, सो इट विल बी गुड। अब इधर अगर 30 REM होगा तो एक नया पिक्चर आएगा, और 30 होगा तो एक नया पिक्चर आएगा, और अगर प्लस होगा तो नया पिक्चर आएगा। विद दैट सेड हमारा क्राउजल लगभग बन चुका है, अब हमें बस एक काम करना पड़ेगा, ये दो जो एरोज़ हैं इनको सेंटर में लाना पड़ेगा। सो हम वो काम शुरू करते हैं क्राउजल पार्ट 3 को लेकर। क्राउजल पार्ट इसको बंद कर लेते हैं, उससे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, क्राउजल पार्ट 4 को बंद कर लेते हैं। 3 और 5 को हमें करना है एडिट। सो हम ग्रैब करते हैं क्राउजल पार्ट 3 को, और इसको कह देते हैं कि कर लो अपना डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखते हैं, बिल्कुल आ गया। सेम चीज़ हम क्राउजल पार्ट 5 के लिए करते हैं, ये भी बिल्कुल नीचे आ गया। अब हम एक काम करेंगे, हम क्राउजल पार्ट 3 और 5 के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसको ग्रैब करके हम कहेंगे कि कर लो अपना मार्जिन ऊपर नीचे 0 REM लेकिन आगे पीछे 1 REM। इसको कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं, और इसको 5 के लिए भी कह देते हैं। गुड गोइंग। अब इसको कह देते हैं कि कर लो अपना पैडिंग ऊपर नीचे 1 REM, आगे पीछे 1 REM। इस चीज़ को भी करते हैं कॉपी और पेस्ट। गुड टू गो। इसका बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं 50%,
बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं अभी के फिलहाल के लिए ब्लू, देखते हैं एक बार। अरे यार गंदा दिख रहा है। सो हम इसको 50% ना कह के, अरे इसको कोई बॉर्डर नहीं देते, छोड़ दीजिए, गंदा लग रहा है बहुत, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन लेकिन हम इस चीज़ का फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 2 rem, देखते हैं। वेल इट इज़ लुकिंग गुड। इसके बाद हम 5 को भी चेंज कर देंगे और प्रोफेशनल लग रहा है। अभी एक चीज़ और जो हम करेंगे वो है पी पर हम कर्सर को कर देंगे पॉइंटर। कॉपी किया, पेस्ट किया, अब यहाँ पर देख सकते हैं कर्सर पॉइंटर बन चुका है। अब हमें पी पर लगाना पड़ेगा आईडी, आईडी 3 पर, काउंट क्राउजल पार्ट 3 पर हम पी का आईडी लगाते हैं कि लेफ्ट एरो और नीचे का जो पैराग्राफ है उसका आईडी लगाते हैं राइट एरो। बहुत बढ़िया जा रहा है वैसे। अब इनसाइड वन का जो है ये वाला, इसका भी हम कुछ आईडी लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं क्राउजल रोटेट। ओके दैट्स इट, सब कुछ एकदम बढ़िया है। अब स्टाइल शीट का काम खत्म हो चुका है, इसको बंद कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट का काम चालू करते हैं। यहाँ से वीडियो के इस पोर्शन से आप लोगों से विनती है कि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज इस वीडियो से मैं एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि है जावास्क्रिप्ट। सो विद दैट सेड हम अपने पैराग्राफ टैग्स को ग्रैब करते हैं। लेट लेफ्ट एरो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे लेफ्ट एरो और इसको लिखेंगे राइट एरो। और हम एक बार चेक करने के लिए देख लेते हैं लेफ्ट एरो डॉट एड इवेंट लिसनर, अगर कोई इस पर क्लिक करे सो रन अ फंक्शन जिस पर हमें दिखाया जाएगा कंसोल डॉट लॉग लेफ्ट एरो। और सिमिलरली अगर कोई बंदा राइट एरो को क्लिक करे तो हमें दिखाया जाएगा कंसोल डॉट लॉग राइट एरो। एक बार जाके चेक कर लेते हैं, रिलोड करते हैं, अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर राइट एरो आ चुका है, लेफ्ट एरो आ चुका है, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। सो हमारा इवेंट लिसनर काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम एक काम करेंगे, हम अपने इस क्राउजल रोटेट को करेंगे ग्रैब और कहेंगे लेट क्राउजल रोटेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको करेंगे ग्रैब। और अगर हमें लेफ्ट एरो क्लिक करने का जो सिग्नल है वो मिलता है तो हम करेंगे क्राउजल रोटेट डॉट स्टाइल डॉट, स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ही हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 30 rem। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको -30 rem दे देते हैं और इसको 30 rem दे देते हैं। अब देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। आ गए हम, वेल हाँ कुछ तो काम कर रहा है, बहुत मेहरबानी।
इसको 0 REM कर देते हैं, अब शायद ठीक हो जाए। ये काम कर रहा है, लेकिन हमें इसके एंड तक जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने 3 पिक्चर्स लगाए थे अगर आप लोगों को याद हो तो। हम इस चीज़ के लिए एक और काम करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं ट्राउजल लेंथ नामक, जिसका वैल्यू इनिशियली 0 कर देते हैं। क्राउजल लेंथ इज इक्वल टू 0। अब इस क्राउजल लेंथ को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इज इक्वल टू क्राउजल लेंथ प्लस 30। अच्छा, ये लेफ्ट क्लिक है, अगर इधर हम क्लिक करें तो इसका वैल्यू बढ़ना चाहिए, अगर इधर हम क्लिक करें तो इसका वैल्यू घटना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करके इसको घटा देते हैं। विद दैट सेट आई होप दिस विल वर्क। अच्छा, एक चीज़ करना भूल गया, मुझे क्राउजल लेंथ को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो हम डॉलर के अंदर क्राउजल लेंथ को ऐड कर देते हैं, डॉलर क्राउजल लेंथ सेव किया हम लोगों ने। सो एज यू कैन सी हमारा क्राउजल बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन द लास्ट थिंग दैट इज रिमेनिंग इज, आप देखो अगर आप इसको क्लिक करते जाओ तो ये चलता रहेगा ऐसे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये ऐसा चलता रहे। यहाँ पर हम एक बैरियर लगाएंगे, तो बैरियर लगाने के लिए हम कह देते हैं कि इसका एक इंडेक्स लगा दो विद वैल्यू 0। अब अगर इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तभी ये काम करेगा, और अगर यहाँ पर इंडेक्स का वैल्यू लेस देन 2 हुआ तभी ये काम करेगा। ठीक है, विद दैट सेड हम एक बार चेक करने के लिए यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स भी लिख देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके चेक कर लेते हैं। इसको क्लिक किया तो 0 हुआ, इसको क्लिक किया तो 0 दो बार हुआ। अच्छा, यहाँ पर इंडेक्स का वैल्यू बढ़ाना भूल गया। ओके, दैट्स इट, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, अब ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने लगा दिया है कि इफ इंडेक्स इज लेस देन 2 तभी इसको फॉलो करना, अगर 2 हो जाए तो यहाँ पर इसको फॉलो मत करना। अब इस पर क्लिक करते हैं, इस पर अगर क्लिक करें तो ये 1 हो गया आप देख सकते हो, और ये 0 हो गया, और 0 के बाद ये नहीं जाएगा। हम ये कंसोल डॉट लॉग को कमेंट आउट कर देते हैं और टड़ा, हमारा क्राउजल एकदम बन के तैयार हो चुका है। अब आप इस चीज़ को अपने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो। किसी वीडियो में मैं इसको इंटीग्रेट करके भी बता दूंगा आपको। फिलहाल के लिए यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए यार इस वीडियो को जल्दी से जल्दी, जितने भी आपके दोस्तों के साथ हो सके प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि मैं ऐसे कंटेंट यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री पे अपलोड कर रहा हूँ। विद दैट सेड आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड बाय, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।